So here we are coming up with some few good important questions of chapter number 4. Yes, we may read out the first one. 1 upon bracket open x minus 1 bracket close bracket open x minus 2 bracket close plus 1 upon bracket open x minus 2 bracket close bracket open x minus 3 bracket close plus 1 upon bracket open x minus 3 bracket close bracket open x minus 4 bracket close is equals to 1 upon 6. Now, as you can see, if we are going to take LCM of the entire question, it will be tough, right, Nimay? Yes, sir. So we will focus to the first two. और LCM वो होता है कि जो common नहीं है पहले उसको देख लो. X minus one common नहीं है, right? Yes, sir. X minus three भी common नहीं है. Hmm. लेकिन x minus 2 कितनी बार लिखेंगे हम? सब वन टाइम टू कॉमन. यस, ये हो गया हमारा इन दोनों का LCM. LCM. यस सर. अब निमय ये 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा आफ्टर LCM? Sir, x minus 2 and x minus 3, sir. Very bad. Do you know the meaning of LCM, Nimay? Yes, sir. I think jo iske denominator mein hai, wo yahan bhi hai. Hai. To jo nahi hai, wo upar jata hai, sahab. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X minus 3. Multiply hoga. X minus 3. Plus, ye 1 kisse multiply hoga? X minus 1. Agreed यहाँ तक? Yes sir. ये as it is अभी लिखा हुआ है. Now, numerator बहुत आसानी से solve हो रहा है. Can I write 2x minus 4? Yes sir. तो एक step और बोल दिया, 2 common ले लिया. Agreed? ठीक है यहाँ तक? Yes sir. X minus two cancel. अब आपके पास x minus one है, x minus three है. है. इधर में x minus three है और x minus four है. Yes sir. अब आपका LCM क्या होगा? LCM होगा x minus bracket open x minus 1 bracket close into x minus 3 bracket close into x minus 4. अब ये 2 किससे multiply होगा? 2 multiply होगा x minus 1 से. x minus? Sir 4. Minus 4. Minus 4. क्या कर रहा है निमय यार? प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1. नाउ ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं. अभी अगर अपन न्यूमरेटर का ब्रैकेट खोलेंगे सो वी हैव 2x माइनस 1 माइनस 8 सॉरी प्लस x माइनस 1 plus x minus 1. Yes, sir. And denominator undisturbed. Now, numerator mein kya dikh raha hai, Nimay? 2x minus 8 plus x minus 1. Isko solve to kar yaar, kya chota bachcha hai kya yaar? Achha, 3x minus 9. Isi ko main 3 common le lo, yahi par? Yes, sir. 3 bracket open, x minus 3. And denominator as it is. X minus 3 will cancel. अब देखो, finally हमारे पास कितना x बचता हुआ दिख रहा है? 2. अब ये quadratic जैसा feel आ जाएगा? Yes sir, आ जाएगा. Now simple math start करेंगे.
थ्री सिक्स जा 18 और ओपनिंग दिस ब्रैकेट गिव्स मी समथिंग लाइक दिस. यस सर. अरे हम क्वाड्रेटिक तक पहुंच गए. यस सर पहुंच गए. अब अगर मेथड नहीं बोले राइट कोई भी मेथड नहीं बोले तो मुझे यहाँ नंबर में स्प्लिटिंग आसान लगता है राइट. यस सर. एक्स स्क्वायर माइनस 9x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. x कॉमन द टू कॉमन एक ये और एक ये एग्रीड. यस सर. ये है ग्रेड 10 का सबसे जानदार चीज और बेस्ट पार्ट एक भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. एंड ग्रेड 10 में हम चैप्टर अभी कौन सा पढ़ रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एंड स्पेसिफिकली वी डोंट नो हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ बाय क्वाड्रेटिक राइट. यस सर. तो हम सबसे पहले अपना ट्रिक लगाकर इसको क्वाड्रेटिक तक खींचेंगे राइट. आंसर चार जीरो ही आएगा. बट वी हैव टू प्लान इन सच अ वे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो. तो इसका जो मैं ट्रिक बोल रहा हूं उसका ट्रिक है कि सारे नंबर्स देखो. नंबर क्या क्या दिख रहे हैं मैं साइन के साथ बोलना. माइनस टू प्लस फाइव प्लस सिक्स माइनस वन एंड 12. बस बस LHS RHS नहीं जाना मालिक. ओके सर. अब आप ऐसा दो ब्रैकेट उठाइए राइट. हम ब्रैकेट का पेयर बनाने जा रहे हैं ठीक है. कंडीशन ये दिमाग में रखेंगे कि पेयर ऐसे बनाएंगे कि जो नंबर्स है ना उसका रिजल्ट सेम आ जाए. अच्छा तो बताओ दो पेयर आपके हिसाब से निमय. सर x माइनस टू और x प्लस सिक्स. गुड. और x प्लस फाइव और x माइनस वन. इससे क्या अपने को एडवांटेज मिला. तो इसका रिजल्ट कितना है प्लस सिक्स और माइनस टू. माइनस ट्वेल्व. क्या कर रहा है यार सिक्स और टू में पूछ रहा हूँ एडिशन. अच्छा एडिशन. फोर. और इधर इन दोनों का एडिशन. इन दोनों का फोर. यानी कि हमने जो पेयरिंग बनाया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है. सेम आ रहा है. यानी कि यहाँ तक पेयरिंग सही है. अब एक एक करके दोनों पेयर का ब्रैकेट खोला. तो एक्स स्क्वायर दिस विल बी 4x माइनस 12 एग्रीड. And this will be x square plus 4x minus 5 agreed. Yes sir. अब आप जरा ध्यान से देखो तो पहला ब्रैकेट का फर्स्ट टू टर्म क्या है. x square and 4x. x square plus 4x ने मैं. Okay sir. Second ब्रैकेट का क्या है. x square plus 4x. तो अगर मैं इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा राइट. रहेगा. तो मैं x स्क्वायर प्लस 4x को कुछ मान लिया दैट इज a एग्रीड. यस सर. अब ये इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो गया. अब ये हमारा क्वाड्रेटिक तक जा रहा है. जा रहा है. बन गया क्वाड्रेटिक. बन गया. नाउ सिंस ये वैल्यूज मैंने मन से लिया था इसलिए परफेक्ट स्प्लिटिंग नहीं होगा ठीक है. लेकिन आगे समझाने के लिए सपोज ये स्प्लिट हो जाता. सपोज बोला मैंने राइट. तो एक ही दो वैल्यू आती. आती. सपोज हमने ले लिया 5 और 7. क्या लगता है तुमको क्वेश्चन खत्म हो गया या अभी और कुछ करना है. सर पता नहीं.
पता नहीं मतलब आप क्लास में नहीं हो सर हूँ हम सॉल्व फॉर ए कर रहे हैं या सॉल्व फॉर एक्स सर सॉल्व फॉर एक्स कर रहे हैं तो नहीं हुआ अभी नहीं है नहीं अभी तो ए का निकला ये क्या माना था अपन ने x square plus 4x एक बार x square plus 4x equals to 5 करोगे yes फिर कर देंगे 5 को इधर लाओगे तो फिर एक quadratic बना yes sir बना उसी तरह एक बार a की value हमने क्या suppose किया x is equals to 7 ऐसा लिख दूं Yes, sir, सही अगर हमारा प्रॉपर वैल्यूज होगा तो यहाँ से भी x की दो आंसर आएगी और इधर से भी x की दो आंसर आएगी yes, sir. टोटल x के कितने आंसर आने चाहिए थे फोर उतने ही आ रहे हैं आ रहे हैं लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही ब्रैकेट खोल देते तो पावर फोर चला जाता तो वो दिक्कत हो जाता इसीलिए हमने ये वाला ट्रिक लगाया एंड सिंस वी आर मेकिंग लाइव वीडियो यू मस्ट गो थ्रू दिस है देन आस्ना व्हिच मेथड विल यू प्रेफर सर फैक्टराइजेशन अच्छा विल यू प्रेफर फैक्टराइजेशन सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम जान रहे हैं राइट यस सर Do you think alphabet का splitting आसान होता है? No sir. फिर क्यों बोला ऐसे time pass? No sir. I will go for quadratic formula. अगर teacher ने कोई method नहीं बोला, मैं quadratic जा रहा हूँ. Quadratic का step number one Aisha, Asna sorry. Sir, so, we will. So first we will do grouping of two. First we will find B. What is B here, Asna? So minus 9 A plus B, bracket A plus B. B square. What is A? A is 9 and C is 2A square plus 5AB plus 2B square. Sorry. Agreed? Yes, sir. Now, always try to make your calculation easy, right? यहाँ 9 कितनी बार दिख रहा है? Sir, twice. और यहाँ पर? Sir, once. Minus, minus. Plus. एक 9 में common ले लिया, right? Yes, sir. यहाँ पर एक 9 और a plus b whole square बचा? Yes, sir. मैं इसको लिख रहा हूँ 9a square plus 9b square plus 18ab. Yes, sir. Minus 9 तो जा चुका है, right? Yes, sir. तो minus 8a square minus 20ab minus 8b square. Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन में 99% कोई ना कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी छुपी हुई होगी राइट यस सर 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 20ab माइनस 2ab इसकी आइडेंटिटी है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस तरह से लिख दो यस सर इसकी वैल्यू निकली है सर ये डी की वैल्यू एग्जैक्टली और आप देख सकते हो डी एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है यस सर यानी कि आपको d एक परफेक्ट मिलेगा क्योंकि हम इसे स्क्वायर रूट में डालेंगे फॉर अल्फा एंड बीटा यस सर यस सर अब हमें अल्फा बीटा निकालना है यस सर माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a इज द फॉर्मूला
यस सर। अब जरा क्वेश्चन से तरीके से चेक करके बताओ बी की वैल्यू क्या है आसना। माइनस नाइन ए प्लस बी। ऑलरेडी यहाँ माइनस है। यस सर इट विल बी पॉजिटिव। डी की वैल्यू क्या है? थ्री ए माइनस बी होल स्क्वायर। रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा। यस सर। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। ए की वैल्यू क्या है? नाइन, पॉजिटिव नाइन। ओपन द, यार ये वर्ड मत बोला कर, बड़ा डर लगता है आजकल। सॉरी। 9a, 9b, 3a, 3b equals to 18. 18, yes sir. 9a plus 3a, 12a plus 6b, 18. Yes sir. 6 common. Yes sir. एक आंसर क्या आया? 2a plus b upon 3. अब दूसरे में प्लस की जगह सिंपल क्या लगाना है? माइनस। माइनस, राइट? यस सर। सो माइनस लगाओगे तो ये माइनस 3a और ये प्लस 3b हो जाएगा। यस सर। दैट इज 9a, 9b, दिस, दिस, दिस। यस सर। 6a plus 12b upon 18. Upon 18. Yes, sir. 6 common. Yes, sir. This is our second answer. Yes, sir. You know, आज के डेट में जो ये कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना से ज्यादा टेरर है। मैं तुम लोगों के साथ अभी दो मिनट ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव वीडियो बन रहा है और मैं चाहता हूँ लोग जाने। कल सिंस माय वाइफ नीड टू हैव अ सर्जरी फॉर स्टोन, तो हमने कल किसी कोरोना, क्योंकि जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, तो हमने कल एक डायग्नोस्टिक सेंटर को बुलाया। हम उसका नाम भी आपको बताएंगे अभी, ये पब्लिक के लिए मैं बना रहा हूँ, कोई भी अगर ये यूट्यूब देखेगा तो बड़ा हेल्पफुल होगा। उस डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम है एम जेनिक्स डायग्नोस्टिक। वो कल सुबह रिपोर्ट लेकर गया, आज सुबह उसका रिपोर्ट आया पॉजिटिव। दिन भर हम टेस्ट में रहे, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैम को कोई नहीं था तो मुझे लगा एक बार और टेस्ट कराया जाए, तो मैं दूसरे में गया बी लाल। जब आज बी लाल में जाकर टेस्ट दिया और शाम को रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट है नेगेटिव। अब आप बताइए, एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, एक तो नॉर्मली आम इंसान को जब एक बार पॉजिटिव बोल देता है ना तो वो वैसे ही घबरा जाता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वापस कराए।